गेम को कंप्लीट किया है, लेकिन यार उसमें किसी ने कमेंट किया था ये 3D वर्ल्ड। अब यार इससे मेरे को पता नहीं उसका क्या मतलब था, लेकिन मुझे आइडिया आ गया कि क्यों ना मैं इस बोरिंग से दिखने वाली ट्रेन को इस 3D वर्ल्ड में कन्वर्ट कर दूं। अब मेरे पास आइडिया तो था, लेकिन ये पता नहीं था इसको कैसे बनाना, क्योंकि मैंने पहले 3D वर्ल्ड बनाया नहीं था, सिर्फ 2D गेम को ही बनाया था। फिर क्या था, मैं चल दिया अपने ज्ञान के गुरु यूट्यूब के पास। यूट्यूब पे थोड़ी देर रिसर्च करने के बाद फिर मेरे को मिला ये वाला ट्यूटोरियल। यार इसने सिर्फ 5 मिनट में यार पूरा 3D वर्ल्ड बना दिया। इसका लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसे देख सकते हैं। यूट्यूब पे देखने के बाद फिर क्या था, मैं अपनी गेम बनाना शुरू कर देता हूं। सबसे पहले तो मैं अपने यूनिटी को ओपन कर लेता हूं और उसमें लेता हूं नया प्रोजेक्ट, जिसका नाम मैं रखता हूं 3D वर्ल्ड, क्योंकि मैं वही बनाने वाला हूँ। अब मेरा प्रोजेक्ट तो खुल गया था, लेकिन अब मेरे को चाहिए थे कुछ एसेट्स। एसेट्स को डाउनलोड करके इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले मैं लेता हूँ 3D ऑब्जेक्ट में टेरेन। टेरेन को लेने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करता हूँ अपना पहला एसेट फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर। उसको ऐड करने के बाद यार मेरा प्लेयर मूव कर रहा था जैसे कि फर्स्ट पर्सन शूटर में करता है। इसे देखने के बाद यार बिल्कुल खाली खाली और प्लेन था। आप चाहिए थे टेरेन के ऊपर थोड़े टेक्सचर होने चाहिए, इसके लिए यार सबसे पहले मैं इस पर डालता हूँ पहाड़। पहाड़ डालने के लिए यार जितना टाइम मेरे को लगता है यार इतना टाइम शायद ही किसी को लगा होगा। उस ट्यूटोरियल में यार उसने 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी 3D वर्ल्ड बना दिया था, लेकिन यार मेरे को उसको भी बनाते हुए आधा घंटे से ज्यादा हो चुका था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आखिरकार मेरी टेरेन में पहाड़ ऐड हो जाते हैं। पहाड़ों को ऐड करने के बाद अब चाहिए थे इसका टेक्सचर। टेक्सचर के लिए मैं इसकी टेरेन के टेक्सचर पैक में जाता हूँ और इसमें टेक्सचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही टेक्सचर को मैं सिलेक्ट करता हूँ पूरी ट्रेन ग्रीन ग्रीन हो जाती है, जैसे कि उस पर घास आ गई हो। लेकिन यार कैमरा में दिख रहा था उसमें कोई ग्रास नहीं थी, वो सिर्फ एक टेक्सचर था। टेक्सचर के बाद फिर मेरे को चाहिए थी ग्रास। फिर क्या था, मैं इसमें ग्रास को ऐड करना शुरू कर देता हूँ। ग्रास को ऐड करने के बाद यार ग्रास बहुत ही अजीब सी लग रही थी, बहुत ही दूर दूर और अजीब सी शो हो रही थी। इसके लिए यार मेरे को इसकी सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। चेंज करने के बाद यार हमारा पूरा प्लेन बहुत ही अच्छा लग रहा था, देखने में बिल्कुल ब्यूटीफुल वर्ल्ड लग रहा था, लेकिन पूरा ही ग्रास से भरा हुआ था। लेकिन यार आसमान पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा था। इसके लिए यार सबसे पहले मैं लाइटनिंग को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद यार इसमें इसके स्काई को ऐड करता हूँ। स्काई को ऐड करने के बाद इसमें थोड़ी सी फॉग ऐड करता हूँ और उसे एडजस्ट कर लेता हूँ। यार इसके बाद यार वर्ल्ड हमारा और ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। इसके बाद बारी थी यार इसमें ट्रीज को ऐड करने की। इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी ट्रेन सेटिंग में जाता हूँ और उसमें ट्रीज को ऐड कर लेता हूँ। ऐड ट्री करने के बाद फिर उसे कर लेता हूँ मैं मास प्लेस। उसके बाद उसकी वैल्यू रखता हूँ मैं 8000। उसके बाद हर जगह ही ट्री स्पॉन हो जाते हैं, लेकिन हमारे ट्रीज का कलर हमारे लैंडस्केप के साथ मैच नहीं कर रहा था। इसके लिए यार मैं इसके कलर को एडजस्ट कर लेता हूँ। कलर्स को एडजस्ट करने के बाद यार हमारे ट्री हमारे लैंडस्केप के साथ यार मैच कर रहे थे। अब इसके बाद आ गई थी एक और नई प्रॉब्लम, हमारा प्लेयर ट्रीज के आर पार जा रहा था। इसको रोकने के लिए मैं इसमें डाल देता हूँ एक कोलाइडर को। कोलाइडर को ऐड करने के बाद हमारी ये वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। फिर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ मशरूम्स, कुछ टूटे हुए ट्रीज और कुछ फ्लावर्स। फ्लावर्स को ऐड करने के बाद हमारा वर्ल्ड यार बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। इसके बाद मैं लास्ट में इसमें ऐड करता हूँ एक रून को। ऐड करने के बाद ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा 3D वर्ल्ड।